ग्वालियर जिले में जनकगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मैरिज गार्डन में चल रहे शादी समारोह में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बता दें कि मैरिज गार्डन में चल रहे शादी समारोह में से अज्ञात दो लड़कों द्वारा फोटोग्राफर का बैग सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया था, जिसके बाद यह घटना गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। वहीं इस चोरी के बाद फोटोग्राफर द्वारा जनकगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर से कुछ युवकों के नाम सामने आए। इसी आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरी करने वाले युवक के घर से चोरी का सामान जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस चोरी करने वाले युवक से पूछताछ करने में जुटी है। ये दिनांक 28 तारीख की रात में गोलपाड़िया पे लवकुश गार्डन है, उसमें शादी समारोह के दौरान एक व्यक्ति जिसके कैमरे वगैरह रखे हुए थे, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की गई थी। कल दिनांक को उसके द्वारा जो है इस संबंध में थाने पर सूचना दी गई, जिस पर प्रथम पंजीबद्ध कर तत्काल पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करके इसमें एक आरोपी जो है करण यादव को गिरफ्तार किया गया है और उससे जो है चोरी में चोरी का सारा मसूका भी हुआ है। क्या बैकग्राउंड अपराधी का? अपराधी की जो है उससे आपराधिक रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है, जिसके द्वारा जिले में अन्य किसी थाना क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित की गई हैं।